वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आपको राख एवं सूखी लकड़ी से जली हुई राख के खाद के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यह एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। दोस्तों यह एक पावरफुल कैल्शियम पोटासियम मैग्नीशियम से भरपूर खाद के रूप में तैयार होता है। गोबर के कंडे और लकड़ी के राख को दोनों को मिक्स करके मैं आप लोगों को आज एक पावरफुल फर्टिलाइज़र होममेड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों इसके उपयोग से पौधों का ग्रोथ बढ़ता है, पौधे का इम्यूनिटी बढ़ती है और ये हमारे पुरखों के ज़माने से चला आ रहा है और कई पीढ़ियों से इसका उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। फूल एवं पौधे का ग्रोथ बढ़ता है एवं फल ज़्यादा लगते हैं। दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन मैक्रोन न्यूट्रिशन होता है, जो हमारे फास्फोरस एवं पेड़ पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों सर्वप्रथम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे अच्छी तरह आरओ पानी या जो आप डेली यूज करते हैं पौधे में डालने के लिए उस पानी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके दोनों घोल तैयार करेंगे। दोस्तों कम से कम इसे आधे घंटे तक आपको घोल को तैयार करने में लगता है, उसके बाद आपको एक घंटे के बाद ही इसे यूज करना चाहिए। नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसे आप अपने घर में ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इससे आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, फल फूल ज़्यादा आएंगे। दोस्तों इसे तब तक मिलाना चाहिए जब तक यह पूरा अच्छी तरह से घुल ना जाए और यह क्रिया कम से कम आपको आधे घंटे तक करना चाहिए। दोस्तों देखिए अब इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे हाथ से आप मसल लें। मसलने के बाद जो भी इसमें अवशेष रह जाएगा उसे अच्छी तरह से हाथ से छान कर आप इकट्ठा करके एक बर्तन में रख लें, वो भी आपके खाद के काम के रूप में करेगा। यह आपके पौधे के लिए बहुत ही कारगर नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में काम करेगा, जिससे आपका पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, फल फूल भरपूर मात्रा में आएगा। दोस्तों इस यह हमारे आज से नहीं, हमारे पुरखों यानी पुराने ज़माने से इस राख के खाद का उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं, जिससे हमारे नेचुरल तरीके से खेती या फल फूल के खाद के काम फर्टिलाइज़र के काम में आता है। दोस्तों आजकल ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम लोगों ने बहुत ही सुना है, मगर हम लोग प्राकृतिक की ओर ध्यान दे दें तो हमारे घर में ही ऐसे ऐसे खाद हैं जिसका हम लोग उपयोग करके पौधे के ग्रोथ एवं नेचुरल तरीके से हम लोग फल फूल सब्जी उगाकर खाने लगेंगे। तो राख में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पोटासियम मैग्नीशियम पाया फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। न्यूट्रिशन माइक्रोशन पोटास जो कि पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, जिससे हमारा पौधा हरा भरा एवं ग्रोथ अच्छी तरह होता है। राख एक रासायनिक खाद के रूप में नहीं बल्कि यह प्राकृतिक खाद के रूप में काम आता है। जब यह अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे जो शेष रह जाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े को छान कर एकत्र कर ले हाथ के दो हाथ से। दोस्तों यह भी आपके खाद के रूप में काम आएगा और इसे धूप में सुखा कर पेड़ के जड़ के पास डालने से ये भी आपके खाद के रूप में काम आएगा। दोस्तों किन किन पौधे में इसका उपयोग करना है मैं आपको आज
बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे गार्डन में तो फल फूल हर एक तरह के पेड़ पौधे रहते हैं, मैं इसका उपयोग आपको टमाटर, बैंगन, खाने वाले लहसुन, प्याज, अनार का पौधा, चीकू का पौधा, नींबू का पौधा, गुलाब का पौधा, उड़हुल का पौधा, जासमीन, बेल आदि सब में। आइए हम इसको किस तरह डालते हैं उसके मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। एक मग ले लें और मग में भर कर कम से कम इसे आधा डालें। देखिए, जैसे मैंने आपको नींबू के पेड़ में डाला, उसके बाद उसका रिजल्ट मुझे आपको नज़र साफ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ में कभी हम फूल फल नहीं आते थे, जिससे इसमें नींबू का ग्रोथ हुआ और नींबू नींबू के फलने पौधे लगा। के बाद इस घोल को आप अनार के पौधे में भी डाल सकते हैं, उड़हुल के पौधे में डाल सकते हैं, जिससे इसका फूल तना मोटा होगा और बड़े बड़े फूल खिलेंगे, कलियाँ आएंगी। उसके बाद इरोकॉर्प के पौधे में डालने से इसमें अच्छी तरह से विकास होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। उसके बाद इसका प्रयोग चीकू के पौधे में आप कर सकते हैं। देखिए, चीकू का पौधा भी ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद चाइनीज बर्ड पौधे में डाल सकते हैं, इसे हरा भरा रखता है। उसके बाद गुलाब के पौधे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या पौधा ही भी पूरा अच्छी तरह से कलियों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।